हे गाइस, होप यू ऑल आर वाइबिंग। तो आज मैंने अपना कैमरा उठाया दो दिन बाद। मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, तो मैंने इसलिए कैमरा उठाया नहीं। और अभी मैं अपनी टेरेस पे आया हूँ और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। कल सुबह भी बारिश हुई थी और आज सुबह भी बारिश हुई है और बहुत अच्छे क्लाउड्स आ रखे हैं। मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वाइब आ रही है मतलब। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लेफ़्ट ईयर में पियर्सिंग कराऊँ। तो मुझे मतलब पहले तो प्रथम के साथ करवाना था, बट प्रथम आज करवा नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं आज करवा लूँ, वो कल करवा लेगा। बट साथ में करवाना था, बट कोई बात नहीं। तो मैं अभी देवित को लेके जाऊँगा अपने साथ और मैं अपना ये पियर्स कराऊँगा। और एक और गुड न्यूज़ है, तुम्हारे भाई ने जिम ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारा भाई ने मंडे से ही जिम ज्वाइन करा है। और कल मेरा पुश डे था, नहीं पुल डे था कल मेरा। तो काफ़ी अच्छी मतलब चेस्ट और ट्राइसेप किया था मैंने कल, तो काफ़ी अच्छा पंप आया था मेरे को। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा इसके बाद। तो चलो अब दिवित को कॉल करते हैं और पूछते हैं उससे कि वो कहाँ है, फिर उसको उठाते हैं और फिर चलते हैं अपना लेफ्ट ईयर पियर्स करवाते हैं। यार दिवित का ना आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी अगला टाइम पे आके खड़ा नहीं हुआ अपने गेट पे। इसको मैं अपने घर से निकलने से पहले फ़ोन करता हूँ कि गेट पे आ जाइए, और मैं इसके गेट पर आता हूँ, ये हमेशा घर पर होता है। और भाई मतलब इतना टाइम लगाता है ना, कभी भाई रिकॉर्ड है इसका, ये कभी टाइम पर नहीं आएगा अगला। देखो कितनी देर में आता है। बाय द वे लेफ्ट कौन, ये देखो ये आ गया है। इतना टाइम लगाया ना इसने, उतर रहा था। तेरी टांगों में ज़्यादा दर्द है क्या अभी भी साइकिलिंग का? कुछ दर्द नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं ज्वेलरी की शॉप पे, मैंने स्टड सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे वायर से होगी पियर्सिंग, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं दिवित के हाथ में फ़ोन दे रहा हूँ, वो शूट करेगा आगे का। इसको ना ऐसे ट्विस्ट करियो, अच्छा मतलब होल को थोड़ा, बस ऊपर से, नीचे से मत करियो वरना तेरा स्क्रू निकल जाएगा। तो प्रथम के घर आ गए हैं, अब इसको जलाएंगे थोड़ा सा, ठीक है? मजा आने वाला है। देवित तो कह रहा है मैं ठीक लग रहा हूँ, बट मैंने अभी तक खुद को ठीक से नहीं देखा कि ये कैसा छिदा हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि उसने कान को ऐसे दबा रखा है। तो अभी मैं प्रथम को कह रहा हूँ कि कान छिदवा ले मेरे साथ जाके। बैठे कह रहा है थोड़े टाइम बाद, नींद भाई सो ले थोड़ा सा ना। मैंने उसको कहा छिदवा ले मेरे साथ, तो बट कह रहा है भी थोड़े टाइम थोड़ा टाइम, पता नहीं ये टाले जा रहा है बात को बार बार, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं जिम गया था प्रथम के घर से सीधा, और जिम के बाद मैं कुछ खाने आया हूँ, हल्का फुल्का रोल टाइप कुछ खा लूँगा। और जिम में आज मैंने बाइसेप मारा, काफ़ी अच्छा पंप आया आज भी। इसके बाद मैं चिकन रोल खा रहा हूँ एक, उसके बाद घर जाऊँगा मैं। और आज मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हाउस पार्टी में रहेंगे, तो हाउस पार्टी करेंगे आज रात को। और मैंने जब इसको बोला था अभी अगर मिलने आ सकता है तो अभी ऐसी, बट उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, काफ़ी वो बाहर निकल चुका है आज, तो गुस्सा हो गए थे। तो बस अब इसके बाद मैं घर जाऊंगा। कूद नहीं पा रहा क्या? आजा 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 आजा। हो गया इनकी, ये जो बीच में ब्लू ब्लू कलर का है ना, ये जिंदा है जो भी है ये। और इनको 5-6 चींटियां लेके जा रही है अभी यहाँ से चढ़ाया भाई, ये स्टीप क्लाइंब कराई है भाई यहाँ से। भाई उसकी तो हालत खराब है भाई, कहाँ गई है ये देख लो, इनकी तो हालत ही खराब हो गई भाई। ये जा रही है, ये जा रही है, खत्म खत्म आप हो। ओ भाई की भाई घिसाड़ रही है भाई साहब, भाई बचाओ भाई इसको कोई। भाई अब एक जाने वाली नीचे। ओ तो हे गाइस, अभी मैं प्रथम और दिवित जा रहे हैं टुवर्ड्स जंगल। और अभी मैं और दिवित एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर कर रहे थे। अरे गाड़ियां इतनी आ रही है ना यहाँ पे, बाइक गाड़ी थी 32 रोड में, भाई इरीटेट हो गए। तो अभी मैं और दिवित बात शेयर कर रहे थे कि हम 3 इडियट्स की तरह एक शादी में क्रैश करेंगे, जैसे 3 इडियट्स में वो तीनों करते हैं। और दिवित कह रहा था मैं और प्रथम तो है इंजीनियर, बाकी अपना बन जाएगा कुछ तब के लिए, शादी टाइम के लिए। तो मज़ा आएगा, एक बार मुझे करना है यार शादी में, किसी क्रैश करना है, किसी अननोन की शादी में घुस जाओ बस और खाना खा कर आ दो, मस्त मज़े आ जाएगा। प्रथम बहुत आगे जा चुका है क्योंकि हम रुक गए थे, ब्लॉगिंग इम्पॉर्टेंट है। और दिवित भाई ने मुझे आज मोटिवेट करा है कि मैं कैमरा उठाऊं,
और ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि उसने मुझे ब्लॉग का टाइटल दे दिया है, जंगल में मंगल, जो कि हम करने जा रहे हैं। और ये जो मैं ब्लॉग डालूंगा ये काफ़ी 2-3 दिनों का ब्लॉग होगा, क्योंकि मेरा कंटेंट कुछ बना नहीं है। फ्लैश नहीं कर रहा अभी, लाइट अभी अंधेरा नहीं हुआ ना। तो भाई प्रथम मैं जब डिसाइड कर रहे थे 3 इडियट्स में, जैसे वो लोग शादी में घुस जाते हैं ना किसी भी, तो हम दोनों तो हैवी इंजीनियर, तो हम सोच रहे हैं किसी शादी में घुसने का, क्रैश करते हैं किसी शादी में। शादी में घुसने का वे दुल्हन मंगाएंगे, दुल्हन भगा लेंगे, किडनैप, गाली मत दे बिना दुल्हन की मर्जी के। क्या क्या बिना दुल्हन की मर्जी के भाई? भाई यही तो करना है भाई। भाई एक तो ये सिंगल लेन रोड है, ऊपर से भाई बाइकर्स हैं इतने, मुझे तो डर है फ़ोन ना उठा ले, गाड़ी और आ रही है पीछे से। अब तो भाई प्रथम की अलग फैंटेसीज हैं, इसको दुल्हन दुल्हन से प्यार ना, दुल्हन से नफरत, बस ये तो क्लासिक पोज है भाई। चलो नहीं है यार, क्या नाम है? तो अभी शमशान, हिडन शमशान। बताओ कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं यार ये अगला शमशान घाट। तो भाई अभी साइकिल हमें घुमानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता है बंद, और बंद नहीं है उधर, वहाँ पे उन्होंने ट्रैक ऊँचा कर दिया, ट्रैक को क्रॉस कर देते हैं हम लोग, ट्रैक ऊँचा कर दिया। अगर आप खुद दिख रहे हो ना, दिख रहा है ट्रैक, अभी ट्रेन जा रही है, दिखती है घर को, ये है ट्रैक, यहाँ से हम जाते थे पहले। बतख, बतख, ओह दिव्य हमें बतख दिखा रहा है, ये रही बतख, ज़ूम कर, अच्छा कर, हाँ क्या हुआ? तो भाई ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है जो ट्रैक। तो गाइस अभी हम एलिवेटेड रोड पे हैं, और इस साइड पूरा ट्रैफिक रोक रखा है लोगों ने, तो पूरी रोड में कोई भी गाड़ी बाइक नहीं है, यहाँ पे साइकिल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और पीछे मेरा स्काई देखो, इतना एस्थेटिक लग रहा है ये अभी, लाइक इतना अनरियल लग रहा है ना, क्योंकि सामने मतलब पर्पल पर्पल सा है थोड़ा, लेवेंडरिश, और पीछे है पिंक, और इतना सुंदर लग रहा है ना ये, लाइक ऐसा लग रहा है फ़िल्टर है कोई, बट ये फ़िल्टर नहीं है भाई, बहुत एस्थेटिक लग रहा है ये। और अभी हम एक छोटी सी वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, पांडे बनाएगा वीडियो, पता नहीं क्या करेंगे, बट मज़ा आने वाला है। तो अभी मेरा एक पार्सल आया है मिंत्रा से, इसको अनबॉक्स करते हैं, और साथ में मैंगो शेक के मज़े लेते हैं। बहुत टेस्टी मैंगो शेक है, तो मैं कैंची ले आया हूँ, तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे मुझे पता है इसमें क्या है, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर करा था, स्पॉन्सरशिप तो मिलनी है मुझे अभी। एक्चुअली मैं जिम जा रहा हूँ आजकल, तो इसके लिए मैंने अपने लिए एक लोअर मंगवाया है यार, सेक्सी लग रहा है देखने में, तो सिंथेटिक है, इसको पहन के देखते हैं। बट मैंगो शेक, गर्मी में मैंगो शेक मज़ा आ जाता है ब्रो। तो यार एक सैड न्यूज़ है, जो मैंने लोअर मंगवाया था वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। पहला पॉइंट उसका, वो सिंथेटिक है, गर्मियों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। दूसरा, ये साइज़ बड़ा आ गया है, तब मुझे इसको एक्सचेंज भी नहीं, मुझे इसको रिटर्न करके मुझे कोई और ही प्रोडक्ट मंगवाना पड़ेगा। अभी बारिश हो रही थी बाहर, देख सकते हो आप सड़क की गीली है, और आसमान में क्या ही दिखाऊँ, खुद दिखेगा नहीं कुछ। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, ये वाला ब्लॉग भी मुझे अभी एडिट करना है, मतलब ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, लास्ट पार्ट डालना है। और कल 4:30 बजे, मतलब आज 4:30 बजे उठ के मुझे साइकिलिंग पे भी जाना है नोएडा साइड प्रथम और जीवित के साथ, तो पता नहीं मैं सो ही कितना पाऊँगा। ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय।